अर्थात मैं वहां पर पास बढ़ाया आप सभी के लिए। और सभी को गिराने की कोशिश में गलत कहकर क्या वहां पर एम्बुलेंस के बगल में 17-18 जिनका गाड़ी है कृपया करके हटा दीजिए, जो बुलेट गाड़ी है कृपया करके हटा दीजिए। एम्बुलेंस के बगल में 17-88 गाड़ी नंबर कृपया करके उसको साइड कर दीजिए। 5 मिनट निकल गए हिंदू हवा तो मंदा जाम कर दी मैं खैर परेशान बनाए फिनेंशियल मैं खैर फ्री की अभी हार्ट में जी जब तो फ्री की नहीं की लगभग लगभग मैं हटा होगा आने दा हो एडू रामपुर हाट रही स्टार खिलाड़ी डायरेक्ट ही गोलकीपर ऊपर आ गलत रहे जबाती थोड़ा सा देख पाओ हेलो एक महत्वपूर्ण सूचना दुकानदारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है टैंकर से पानी नहीं लेके जाना है जो टैंकर लगा हुआ है तो वो खिलाड़ियों के लिए है ऐसे सूचना मिला है कि आप लोग टैंकर से पानी लेकर जा रहे हैं अगर ऐसा करते हैं तो अगर पकड़े जाते हैं अगर आपने दुकान के लिए अगर आपको पानी लेना है तो उत्तरी छोर में वहां पर चपाकल है आप लोग चपाकल से भर कर पानी लेके जाएंगे टैंकर का पानी किसी भी हाल में आप लोग नहीं लेके जाएंगे उन्हें टैंकर या दाल पे लिया जहां की दुकान का और कभी ट्रेन को रहो ध्यान आते हो ना टैंकर को अगर दुकानदार दाम पूरी है थोड़ा थोड़ा पे बना हुआ कितना बार इस खिलाड़ी को टैकल किया गया गिराया गया लेकिन एक बार भी पार्सल सही मायने में मैं बहुत ज्यादा नोटिस किया इस खिलाड़ी का इस कॉर्नर खिलाड़ी का कभी उसने मुंह खोला ही नहीं और ऐसा लग रहा है कि ये खिलाड़ी एक तरह से वर्क पकड़ के खेल रहे हैं इतने शांत खिलाड़ी जी यहाँ पर वाकई में आपने ये सारा चीज को नोटिस करते हुआ तुषार सर यहाँ से वो जैसे मैं याद करता हूँ आपका बोलते कम है लेकिन वो ज्यादा प्रयास करते हैं और वाकई में अपना टीम के लिए बेहतर वो मौका बनाने का जो रणनीति बना है यहाँ से एक प्रीति के लिए बेहतर मौका इस बार जी हाँ और बम्बा बम्बा क्या यहाँ पर गोल डालेंगे और मैं याद करता हूँ ज्यादातर फ्रीकिक करने के लिए मौका सोहन रजा तरफ रामपुर हाट बीभूम को मिला है और काफी कम फ्रीकिक करने के लिए मौका उनके अपोनेंट टीम और ये शॉट लेकिन विकेटकीपर से डिफेंडर से टकरा गई और बॉल वापस लौट कर गई है इस समय मरंडी स्टार की टीम प्रयास में है दूसरे हाफ का भी काफी समय गुजर चुका है लगभग 10 या 11 मिनट का जो रेगुलेशन टाइम का वो निकल चुका है दूसरे हाफ में भी लेकिन स्कोर नहीं हो पा रहा है ज्यादातर खेल दोनों टीम का मिडिल ऑफ द पिच में बार देखना है उधर जाने लेकिन दोनों के बीच अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेकिन ये खिलाड़ी बहुत प्रभावित किया बहुत ही सुंदर वहां पर सिद्धार्थ गुरु जो खेलते हैं 14 नंबर में ये होना चाहिए रेफरी ने पहले ही खिलाड़ी को भाप लिया
और एक मुश्किल परिस्थिति से दोनों टीम गुजरते हुए स्कोर नहीं हो पा, और आज के दिन में मात्र एक गोल जो इससे पहले टाटा स्टील सिटी जमशेदपुर की टीम ने गोल लगा था, पहाड़ी नागिन हिरणपुर के विरोध में एकमात्र गोल जो हुआ था, लेकिन इसीलिए जबाती ने हेडर के जरिए गोलकीपर और गोलकीपर अरपन ने पूरा ही गलत में बॉल को दबोच लिया। मिडिल से जर्सिनम वे खिलाड़ी ये भी सुंदर खेलते हैं अभिजीत, इसे यहाँ पर एडू सिद्धार्थ कहाँ पर चुके हैं लेकिन अपू लगे हुए उनको रोकने के लिए Once again, player, I request not to argue with the referee, because we know you all are best player, you are good player, but for a small thing, you cannot just argue with referee. इस बार ये मौका क्या गोल का कटबट होगा, क्या यहाँ से गोल का कटबट होगा, खेल याद का यहाँ पर दूरी तय कर दिया गया। गोल कीपर भी अब हड़बड़ाने लगे हैं, उमर ने भी खिलाड़ियों को इशारा किया कि कहाँ पर आपको गांठ लेना है, और ये सब कितना असर करेगा। दो देशी मूल के खिलाड़ी शॉट लगाने के लिए तैयार है, अरे पांच नंबर दे रहे हैं, अरे इस्तांबुल में बहुत कुछ बड़ा दिखना था, इतना भूल चुका नहीं आप कभी मौका है, लेकिन जैसी नंबर नाइन सोबित का शॉट हवा में जिस तरह से स्टिक होती थी, लेकिन ये क्रिकेट बेकार निकल चुका है। विशेषकर पेट्रोलिंग का निगरानी ग्रुप रहते गैलरी नखा रहे अपे अपे को निगरानी लगी कभी तैयार करा अपे नियत ध्यान अपे अपने एक एक चीज या मोमेंट अपे पे ध्यान तयम से पर जहां अलग को बोलो का पर्दा लगाओ का से गैलरी से रहे यहां का उनका ना विधि व्यवस्था आलो बड़ी हो। इस मैच के बाद नेक्स्ट मैच के लिए मैं दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध कर रहा हूं कृपया करके प्लेयर को रेडी रखेंगे। YFC रांची वर्सेस मॉर्निंग स्टार क्लब कोकराझार आसाम, YFC रांची वर्सेस मॉर्निंग स्टार क्लब कोकराझार आसाम के बीच आज का